हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी के भी फोन के गैलरी या फाइल मैनेजर पे लगे हुए लॉक को कैसे बाईपास कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी के भी गैलरी को बाईपास कर सकते हैं, चाहे उसमें कोई सा भी पिन क्यों ना लगा हो या कोई भी पैटर्न। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे जो गैलरी में मैंने पैटर्न लगाया है, मेरे फाइल मैनेजर पर भी मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं मेरी जो गैलरी है वो अभी लॉक है, इसे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो फोन के अंदर जो सेव फाइल्स है, फोटोज, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, जो भी फाइल्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वो फ़ोन लेना है जिसमें आप गैलरी को बाईपास करना चाहते हैं। फ़ोन लेने के बाद आपको उसके ब्राउज़र पर जाना होगा, क्रोम ब्राउज़र या फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, कोई सा भी ब्राउज़र खोले। खोलने के बाद जो स्क्रीन पर शो हो रहा है एड्रेस, ये टैप कर दे, file:// sdcard। करने के बाद आप इस वेबसाइट पर चले जाए। आपको इसको लॉगिन करने के लिए वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑफलाइन भी डायरेक्ट ये एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड्रॉयड फाइल मैनेजर है उसके अंदर जो फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो रही है। आप इधर से जो भी फाइल चाहे, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज हो, जो भी हो, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं जो भी फ़ोन में सेव है। आप यहाँ से उसकी डाउनलोड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं ऑडियो फ़ोन की, और उसके बाद व्हाट्सएप की हिस्ट्री आप इधर से चेक कर सकते हैं। मैं आपको पिक्चर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कैमरा के जो सारे पिक्चर्स है वो भी ओपन कर सकते हैं। फाइल्स जो एंड्रॉयड फाइल मैनेजर के अंदर सेव होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई क्रैक की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गैलरी खोले बगैर डायरेक्ट किसी ब्राउज़र से आप इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें आप फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो वो ले लें। बहुत से फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है लेकिन कुछ में नहीं होता है, मेरे फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। जो फ़ोन का अपना ब्राउज़र होता है, मेरा इसका है फ्योनिक्स ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल ऑप्शन, फाइल्स, जहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर जो भी सारे फाइल्स है वो आपको मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो इमेज फाइल डॉक्यूमेंट्स, जो सारे फ़ोन के अंदर सेव है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप एड्रेस टाइप करके अपने फाइल्स एक्सेस करना होगा। अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे आप फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस ब्राउज़र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ से जो सॉन्ग्स है उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरे गैलरी में लॉक लगा हुआ है जहाँ से मैं इमेजेस और वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आप भी ये स्टेप्स ट्राई करें और आप एक्सेस कर पाएंगे। और अगर जिस बंदे का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो और उसके फ़ोन में ब्राउज़र पर भी लॉक लगा हुआ है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद कोई सा भी ब्राउज़र डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये जो सेम एड्रेस मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पर में पे आपको मिल जाएगा, वो इंटर करें, और इंटर करने के बाद फाइल्स को एक्सेस करें। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।